योजना गल्ला विक्रेता परिषद के प्रांतीय आवाहन पर मुरादाबाद में गुरुवार को राशन डीलर ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और उचित दर विक्रेताओं का लाभांश बढ़ाए जाने की मांग की। प्रदेश उपाध्यक्ष अरुण माथुर के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचे राशन डीलरों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि उचित दर विक्रेताओं को लाभांश मात्र 90 रुपए प्रति कुंतल दिया जा रहा है, जिससे राशन डीलरों के समक्ष परिवारों को पालना मुश्किल हो रहा है। इसलिए उचित दर विक्रेताओं का लाभांश 90 रुपए से और अधिक बढ़ाया जाए या फिर प्रतिमाह 20,000 रुपए महीने का मानदेय निर्धारित किया जाए। इस बीच विक्रेता परिषद के उपाध्यक्ष अरुण माथुर ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने मांगों की पूर्ति नहीं की तो 1 जनवरी 2024 से पूरे उत्तर प्रदेश के राशन डीलर हड़ताल पर चले जाएंगे। इस दौरान रेहान खान, सुभाष नारायण, ब्रजपाल, दिलशाद हुसैन व दर्पण आदि लोग मौजूद रहे। जी, हमारी मांग है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम कमीशन दिया जा रहा है, 90 रुपये प्रति कुंटल, जबकि अन्य राज्य गोवा, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड में सब में बहुत अधिक कमीशन दिया जा रहा, लेकिन सबसे कम कमीशन यही दिया जा रहा। हमारी मांगे, हमें भी अन्य प्रदेशों की भांति 200 रुपये प्रति कुंटल कमीशन दिया जाए। और इसके अलावा मांगे तो बहुत हैं, लेकिन मुख्य मांग हमारी यही है कि 200 रुपए प्रति कुंटल कमीशन अन्य राज्यों की भांति हमें भी दिया जाए। ये हड़ताल की तस्वीर रखी क्या है? हड़ताल की सबसे मुख्य मांग जो है कमीशन की है कि अन्य राज्यों में भाजपा शासित राज्य हैं, जहां वहां भी 200 रुपए, जैसे हरियाणा है, उत्तराखंड है, पंजाब आदि राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सभी जगह दिया जा रहा है, सबसे कम उत्तर प्रदेश में दिया जा रहा है। हमारी मांग है यहाँ भी 200 रुपए प्रति कुंटल कमीशन दिया जाए। मानदेय गुजरात में दिया जा रहा है, मानदेय नहीं है, एक्चुअल में वो एक तनख्वाह के रूप में दिया जा रहा है। उसी प्रकार या तो 20,000 रुपए हमें भी दिए जाएं या 200 रुपए कमीशन दिया जाए, यही हमारी मांग है। यदि सारे डीलर को जी हड़ताल की भी आपने कोई घोषणा? हाँ, यदि ये मांगे हमारी नहीं मानी जाती हैं 31 दिसंबर तक, तब हम पूरे उत्तर प्रदेश के 80,000 कोटेदार 1 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे।